गिवन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, तो अपने पास ये चार वेक्टर दे रखे, उनका सम इज इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो इनमें से चार स्टेटमेंट दे रखे, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा वो अपने को बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए प्लस बी, ए बी सी एंड डी मस्ट बी इक्वल टू नल वैक्टर। ओके, तो ये नल वैक्टर होने चाहिए, जरूरी है। देखो अब ऐसा सही है या गलत है बताना आपको। अगर नल वैक्टर हुए, ये भी जीरो हुआ, ये भी जीरो हुआ, ये भी जीरो हुआ, ये भी जीरो, तो जीरो हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कंडीशन कि ए बी सी डी नल वैक्टर हो, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इसको जीरो करने के लिए, टू आई केप और थ्री आई केप, ठीक है, और इसको मैं लेता माइनस टू आई केप और माइनस थ्री आई केप, ठीक है, चारों अलग अलग है, लेकिन इसका भी तो नल हो रहा है। तो इनको नल होना जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं कि जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो करेंगे तो ही चारों का सम जीरो होगा, कोई ज़रूरी नहीं। तो मस्ट भी नहीं आएगा यहाँ पे, मे भी आएगा, क्या आएगा, मे बी नल वेक्टर। तो ये जो आपको फर्स्ट जो दे रखा है वो गलत है। ओके, सेकंड देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी। ओके, तो देखो यहाँ पे ए प्लस सी, ए प्लस सी देखता हूँ मैं, ए प्लस सी कर देता हूँ, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आपका माइनस बी माइनस डी, राइट। या फिर मैं बोल सकता हूँ ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस डी, राइट। अगर दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा देता हूँ तो ये हो जाता है मैग्नीट्यूड ए प्लस सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी, यानी कि ये सही है, जो स्टेटमेंट सेकंड वाला है वो बिल्कुल सही है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन सम ऑफ मैग्नीट्यूड बी सी डी। ओके, तो देखो यहाँ से मैं ए लिखता हूँ, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, माइनस ऑफ बी माइनस सी माइनस डी, या फिर ए इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी प्लस डी, या फिर अगर मैग्नीट्यूड लगा दो तो क्या आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी प्लस डी। तो देखो मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड हमेशा इन तीनों के सम के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, यानी ग्रेटर नहीं होता है। ये भी सही बोल रहा है कि नेवर बी ग्रेटर, यानी ये भी सही है। ओके, डी देखते हैं, बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर। ओके, तो देखो यहाँ पे कौन सा बोला, बी और सी, बी और सी को मैं अलग ले लेता हूँ, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, माइनस ए माइनस डी, राइट। या फिर मैं बोल सकता हूँ बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस डी, राइट। अब देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो रहे हैं मैग्नीट्यूड में, तो डायरेक्शन में भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, बी है सी है, इसका रिजल्टेंट मेरा इधर आ रहा है, राइट। ये मेरा बी प्लस सी आ रहा है, तो मेरा ए प्लस डी भी, ए प्लस डी माइनस ए प्लस डी इधर आना चाहिए ना, इधर आना चाहिए, माइनस ए प्लस डी इधर आना चाहिए, तभी तो ये जीरो होगा, राइट। ये अपोजिट है और इतना ही मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में हो, यानी ये मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ तो ये नेगेटिव हो, तब ये जीरो होगा। यानी कि ए और बी या तो इसी लाइन में होने चाहिए, एक सेकेंड वाली कंडीशन क्या बोल रखा है, एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी, अगर दोनों एक ही लाइन में हो तो इनका रिजल्टेंट यानी बी प्लस सी इस लाइन के अलोंग होगा, राइट। अगर ये लाइन में नहीं हुए तो को लीनियर होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एक बी ए मान लो इधर है और बी मान लो इधर है, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पर आना चाहिए ए प्लस बी वाला, क्लियर, यानी माइनस ए माइनस बी, तो माइनस ए प्लस बी ये इधर होना चाहिए, तभी ये सही होगा। चलो इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है।